हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ करंट अफेयर्स। और आज की इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं फार्माको विजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया के बारे में। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि ये प्रोग्राम न्यूज़ में क्यों है। सो दिस इज़ द न्यूज़ दैट सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज CDSCO, इसने ये ऑर्डर किए हैं मैन्युफैक्चरर्स को कि जो ऑलरेडी मेडिसिन मार्केट में इशू हो चुकी हैं उनके बारे में कोई भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन नोटिस में आती है तो उसको जनरल पब्लिक को इन्फॉर्म किया जाए। वो इन्फॉर्म कैसे किया जाएगा? मेडिसिन का जो पैकेजिंग होता है उसमें लीफलेट होता है जिसमें साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह लिखे होते हैं, तो ये उसमें मेंशन किया जाएगा कि जो लेटेस्ट एडवर्स ड्रग रिएक्शंस रिपोर्ट हुई हैं पेशेंट्स के द्वारा वो ड्रग रिएक्शंस लीफलेट में मेंशन की जाए और जनरल पब्लिक को अवेयर किया जाए। देखिए, ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट मेडिसिंस हैं। सभी मेडिसिंस के बारे में आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये न्यूज़पेपर में अपीयर हुई हैं तो इनकी इम्पॉर्टेंस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ जाती है। आपको इनके साइड इफ़ेक्ट याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनके इफ़ेक्ट ये क्यों ली जाती हैं, किन कंडीशंस में ली जाती हैं, वो आप याद रख सकते हैं। देखिए, जो फर्स्ट थ्री मेडिसिंस हैं सिफोटैक्सिन, ओफ्लॉक्सासिन और सेफिक्सिन, नॉर्मली हम ये इन्फेक्शन में लेते हैं, ये एंटीबायोटिक्स हैं। नेक्स्ट जो ड्रग यू कैन सी इज ट्रेनेक्सिमिक एसिड। ट्रेनेक्सिमिक एसिड एक्सट्रीम ब्लीडिंग को रोकने के लिए ली जाती है। नेक्स्ट एक ड्रग है क्वेशियापिन। क्वेशियापिन एक एंटी साइकोटिक ड्रग है, साइकेट्रिस्ट के द्वारा यूज़ की जाती है। देन इज़ योर सल्फासेलाजीन। दिस सल्फासेलाजीन इज़ एन एंटी रूमेटाइड ड्रग, रूमेटाइड आर्थराइटिस में यूज़ होती है। एंड नेक्स्ट इज सोडियम वेलप्रोएट। ये जो ड्रग है दिस इज़ यूज्ड एज एन एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, यानी मिर्गी के दौरे जिनको पड़ते हैं उनके लिए ये यूज़फुल है। तो इन मेडिसिन के कुछ एक नए ड्रग साइड इफ़ेक्ट सामने आए हैं, नए एडवर्स ड्रग रिएक्शन सामने आए हैं जिनको जनरल पब्लिक को अवेयर करना, जिनके बारे में बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, जो सिफोटैक्सिन और ओफ्लॉक्सासिन और सेफिक्सिन हैं जो एंटीबायोटिक्स हैं, ट्रेनेक्सिमिक एसिड ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए है, एंटीसाइकोटिक ड्रग है क्वेशियापिन, और सल्फासेलाजीन जो है वो एंटी रूमेटाइड ड्रग है, और सोडियम वेलप्रोएट जो है वो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, यानी कि मिर्गी के दौरों को प्रिवेंट करने के लिए। अब फार्माको विजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया के बारे में जानते हैं। देखिए, इंडिया की 127 करोड़ की आबादी को प्रॉपर ड्रग्स मिले, उनकी हेल्थ को सेफगार्ड करने के लिए प्रोग्राम 2010 में शुरू किया गया था, और इसको मॉनिटर कर रहा है NCC PvPI। NCC यानी कि नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर, और PvPI इज़ फार्माको विजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया। देखिए, फार्माको विजिलेंस का मतलब क्या है? फार्मा इज़ द वर्ड रिलेटेड विद ड्रग्स और मेडिसिंस, और विजिलेंस का मतलब चौकसी। तो जो मेडिसिंस ऑलरेडी रिलीज़ हो चुकी हैं मार्केट में उनको, उनके ऊपर विजिलेंस करने के प्रोग्राम को ही हम फार्माको विजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया कहते हैं। सो NCC PvPI मॉनिटर्स द एडवर्स ड्रग रिएक्शंस अमंग इंडियन पॉपुलेशन एंड हेल्प्स द रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया दैट इज़ द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन इन टेकिंग डिसीजंस फॉर सेफ यूज़ ऑफ मेडिसिन। तो यही इस प्रोग्राम का मकसद है, यही इस प्रोग्राम का मेन गोल है कि सेफ मेडिसिन हर इंडियन को मिले। तो ये नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर, फार्माको विजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया और IPC यानी कि इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, ये तीनों इकट्ठे काम करते हैं। जो इंडियन फार्माकोपिया कमीशन है ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और ये स्टैंडर्ड सेट करती है सभी ड्रग्स के लिए जो कि इंडिया में मैन्युफैक्चर होती हैं, सेल होती हैं और कंज्यूम की जाती हैं। तो ये सेट्स ऑफ स्टैंडर्ड्स मेंशन की जाती हैं इंडियन फार्माकोपिया में। तो NCC PvPI एंड IPC दे वर्क इन कॉन्जोनेंस टू प्रोवाइड सेफ ड्रग्स फॉर इंडियन पॉपुलेशन। अब ये जानते हैं कि फार्माको विजिलेंस क्या है। फार्माको विजिलेंस ऑल्सो नोन एज ड्रग सेफ्टी, इट इज़ द फार्माकोलॉजिकल साइंस रिलेटिंग टू कलेक्शन, डिटेक्शन, असेसमेंट, मॉनिटरिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स इफेक्ट्स विद फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। तो अगर नटशेल की बात करें तो इन अ नटशेल फार्माको विजिलेंस डील्स विद द एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। अब एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, आपने साइड इफेक्ट्स के बारे में सुना होगा, लेकिन एडवर्स ड्रग रिएक्शंस क्या होती हैं? दिस इज़ द इंजरी दैट रिजल्ट्स आफ्टर टेकिंग द मेडिसिन। जो साइड इफेक्ट होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, और लेकिन जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन है ये हमेशा इंजूरियस होती है, यानी कि हमेशा नेगेटिव फॉर्म में होती है। साइड इफेक्ट तो बहुत सारे होते हैं, जैसे कि एक ड्रग है लिवोडोपा, ये एक साइकेट्रिक ड्रग है, इसको अगर यूज़ करते हैं तो पेशेंट्स में क्रिएटिविटी का लेवल बहुत बढ़ जाता है, ये इसका साइड इफेक्ट है, तो ये एक पॉजिटिव साइड इफेक्ट है।
और ऐसे ही अगर हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो लोग लेते हैं उनमें एक्ने की प्रॉब्लम जो मुहासे होते हैं वो कभी बढ़ जाते हैं कभी कम हो जाते हैं, कि किसी किसी के ऊपर ये पॉजिटिव इफेक्ट देते हैं किसी के ऊपर ये नेगेटिव इफेक्ट देते हैं, क्योंकि ये हार्मोनल इम्बेलेंसेज को कई बार दूर कर देते हैं। तो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस दे आर ऑलवेज इंजूरियस, ऑलवेज नेगेटिव, एंड साइड इफेक्ट्स दे मे बी पॉजिटिव, दे मे बी नेगेटिव, यही इन दोनों में फ़र्क है। तो इंटरनेशनल लेवल की अगर हम बात करें, जैसे इंडिया में नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया है, ऐसे ही इंटरनेशनल लेवल पे WHO का यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक सेंटर है जिसका नाम है उपासला मॉनिटरिंग सेंटर। इसमें दुनिया भर के लोग जितने मेडिसिन लेते हैं और उनको अगर एडवर्स ड्रग रिएक्शन सामने आता है और जो जिन देशों ने इसमें अपने आप को रजिस्टर किया हुआ है वो रिपोर्ट कर सकते हैं उपासला मॉनिटरिंग सेंटर में। तो इंटरनेशनल लेवल पे भी इंडिया की कोलैबोरेशन है, इंटरनेशनल लेवल पे एडवर्स ड्रग रिएक्शंस का डेटाबेस बनता है। ये उपासला नाम की जगह जो है ये स्वीडन में है और ये WHO के अंडर है। ये देखिए ये काम कैसे करता है नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर। सबसे बॉटम के ऊपर देखिए, आप बॉटम से हम शुरू करेंगे तो हेल्थ प्रोफेशनल्स एंड पेशेंट्स ये रिपोर्ट करते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग सेंटर्स को अपने एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो भी इनके सामने आते हैं। सिमिलरली CDSCO के जोनल सब जोनल ऑफिसेज भी इसको रिपोर्ट करते हैं और ये सभी लोग रिपोर्ट करते हैं नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर इंडियन फार्माकोपिया कमीशन गाज़ियाबाद को। NCC-IPC इज़ लोकेटेड इन गाज़ियाबाद। तो ये NCC-IPC जो है उपासला मॉनिटरिंग सेंटर के साथ कोऑर्डिनेट करता है इंटरनेशनल लेवल पे अपने एडवर्स ड्रग रिएक्शंस को सबमिट करता है, और सिमिलरली ये CDSCO को भी रिपोर्ट करता है। CDSCO का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। CDSCO मॉनिटर करता है इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को, इंडिया के नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को और अदर प्रोफेशनल बॉडीज़ को। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्रेस द लाइक बटन, एंड इफ़ यू लाइक माई चैनल देन लाइक द ब्रेनी IAS चैनल, ज्वाइन कीजिए आप, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बटन को दबाना मत भूलिए। हमारा सुपर 50 बैच जो है चंडीगढ़ में स्टार्ट होने जा रहा है 15 मई और 15 जून को। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स दे मे कॉन्टैक्ट मी एट 8968658068। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम।